हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आई एम श्रुति पटेल टीचर ऑफ सीनियर किच टूडे वी आर लर्निंग अबाउट गुजराती सब्जेक्ट सो बच्चों गुजराती में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हमारी जो बारह है वो कंप्लीट कर दी थी लास्ट ग तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था आपको भी आपके टेक्स्ट बुक में पूरा कंप्लीट कर देना है आपने अगर मेरे साथ साथ कंप्लीट नहीं किया है तो आपको आप खुद से आपको जब भी टाइम मिले तब आप लोगों को कंप्लीट कंपलसरी करना है ओके सो so, आज हम क्या करेंगे वही बाराकसरी को रिवीजन के दौर पे हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे ओके क्योंकि नोटबुक में आप लोगों को बिना देखे लिखना है और जैसे हम लोगों ने क्या किया हमारी बाराकसरी में टेक्स बुक में ऊपर लिखा था वही देख के हमने नीचे लिख दिया कॉपी कर दिया लेकिन अब आपको कितना आया वो चेक करने के लिए आपको नोटबुक में लिखना है क्योंकि एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा वहाँ पे भी आपको कॉपी नहीं करनी है तो आपको कितना आया वो आप लोगों को अभी ध्यान में रखना है कि आपको कौन सा लेटर कैसे याद रहा और कौन सी मात्राएँ आपने बुला दिया वो सब कुछ आप लोगों को अच्छे से देखना है ओके सो लेट स्टार्ट राइटिंग टेक ऑन योर गुजराती नोटबुक फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट ट्वेल्व डैश टू डैश ट्वेंटी वन और हम आज करने वाले हैं बारा तो आप लोगों को हेडिंग में लिखना है बाराक्षरी कैसे लिखोगे पहले लिखो ब बकरी का ब बा, बा. जैसे आ लिखते हो वैसे बा फिर रा यानी र के बाद रा क्ष क्ष से क्षत्रिय क्ष री री ओके बाराक्षरी समझ में आया आप लोगों को ऐसे हेडिंग लिखना है तो ही आप लोगों को समझ में आएगा कि हम बाराक्षरी कर रहे हैं ओके नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको डॉट लगाना है सबसे पहला व्यंजन कौन सा होता है क तो लिखो यहाँ पे क अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है आप लोगों को ऐसा नहीं कि ये सिंपल लाइन की बुक है तो ये पूरा बड़ा बड़ा आपको टच करके लिखना है ऐसा नहीं अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है ओके क का फिर की कु, कु फिर आपको वन बॉक्स लीव करना है और लिखो के कई को कौ कम कहाँ देखो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हमारी जो एक लाइन होती है उसमें आपके सिक्स लेटर ही आने चाहिए और दूसरे सिक्स लेटर उसके नीचे लिखना है आपने पहले लिखे उसके नीचे ही लिखने हैं आपके जो राइटिंग है वो बिगड़ने नहीं चाहिए आपने एक यहाँ लिखा एक वहाँ लिखा ऐसे नहीं करना है ओके ये हमारा हुआ वन व्यंजन उसके बाद आप लोगों को टू लाइन लीव करनी है और फिर से यहाँ पे डॉट लगाना है और लिखना है खो। खो। ओके हम कुछ कुछ व्यंजन को ही ध्यान में लेंगे तो ही आप लोगों को समझ में आएगा और ये आपका मिक्स ना हो इसलिए मैंने दो बॉक्स लीव करवाए हैं दो लाइन लीव करवाई है तो आपको भी ऐसे दो लाइन लीव कर देनी है ओके ख के बाद क्या आता है खा खी खू खू उसके नीचे ही लेकिन वन लाइन लीव करके खे खई, खो खव, और लास्ट खहा। ओके, टू व्यंजन कंप्लीट थ्री कौन सा है गणपति का ग लेकिन दो लाइन लीव करनी है ये आपको याद रखना है चलो लिखो गणपति ग, का ग, गा गी गी गु गु वन लाइन लीव गे गई गौ गौ गम और गहा, ओके राइट फोर व्यंजन कौन सा है लीव टू लाइन एंड राइट गर का ग ओके ग के बाद आता है गा यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो आपकी लाइन है वो ऊपर तक लेके जाना है अगर आपने छोटी लगाई तो वो ड हो जाएगा गा गी, गु, गु, गे गई गौ सॉरी यहाँ पे गो आएगा एक ही मात्रा आएगी गो गौ में आया बच्चों देखो मेरे हैंड राइटिंग आपको ऐसे ही हैंडराइटिंग में लिखना है और एक बात बच्चों ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये हमारा गुजराती है तो आपको कर्व करके लेना है सब में आपको सीधा नहीं लिखना है देखो यहाँ पे सारे लेटर मैंने कर्व किए हुए हैं देखो गा हो खा हो सारे लेटर कर्व किए हुए यहाँ पे ऐसे कर्व करना है ओके सो so, आज के लिए इतना ही ये आप लोगों को नोटबुक में कंप्लीट करना है और मेरे जैसे ही लिखना है अगर आपने यहाँ पे दो लाइन की जगह एक ही लाइन खींची तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा सारा मिक्स हो जाएगा ओके okay? सो so, आज के लिए इतना ही बाय बाय